केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शन के बारे में सबसे पहले समझना है, तो छोटी क्लास में हमने क्या पढ़ा हुआ है कि दो तरीके के आपने चेंजेस पढ़े हुए हैं। एक होता है केमिकल चेंज, ठीक है, और दूसरा क्या होता है फिजिकल चेंज। अब हमने इन दोनों के बारे में क्या पढ़ा है, चेंज का मतलब क्या होता है, बदलना, यानी एक चीज़ थी वो बदल गई किसी और चीज़ में। तो अगर पहली चीज़ बदल के जब दूसरी चीज़ बन रही है, ठीक है, और पहली और दूसरी चीज़ बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है, मतलब ऐसा चेंज जिसमें कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है, न्यू प्रोडक्ट, ऐसी चीज जिसमें कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है, दैट इज केमिकल चेंज। और ऐसा चेंज जिसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा, नो न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। तो सिंपल भाषा में बोले तो केमिकल चेंज क्या होता है, जहाँ न्यू प्रोडक्ट बनता है। फिजिकल चेंज क्या होता है, जहाँ पे नया प्रोडक्ट नहीं बनता। चलो हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देते हैं केमिकल चेंज का, कि आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एक रिएक्शन करवाई, चेंज करवाया, ठीक है, तो इससे बन गया आपका वाटर H2O, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, वाटर, H2O इज वाटर। तो क्या होगा, आपको ये पता ही, हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक है, कि हाइड्रोजन फ्यूल की तरह यूज होती है, ऑक्सीजन गैस है, ब्रीदिंग के लिए यूज करते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट चीज जलाने के लिए, बर्निंग के लिए, ठीक है। वहीं पे वाटर की बात करें तो वाटर की ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, मतलब वाटर को किसी चीज़ को जलाने के लिए यूज नहीं करते, जबकि आग को बुझाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है, एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। वहीं पर अगर फिजिकल चेंज की बात करें तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं आइस का, ठीक है, आइस को आपने क्या करा, मेल्ट किया, अब आइस किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में, यानी लिक्विड फॉर्म में। अब है तो दोनों वाटर ना, ये भी वाटर है, ये भी फॉर्म वाटर, यानी लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, यानी ये भी वाटर, ये भी वाटर। तो आइस मेल्ट होके नई चीज़, जो भी चीज़ बना रही है, ठीक है, वो अगर देखें तो एक नई चीज़ है, बट एक्चुअली में दोनों क्या है, आपके वाटर ही है, ठीक है। जबकि अगर इस केस की बात करो तो ये वाटर था, बट इट इज़ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ओके। अब इतना सबको समझ में आ गया, तो ये आपको क्या करना है, लिख लेना है, ठीक है, स्टार्टिंग आपको यहीं से करनी है इसकी। चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, चैप्टर आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कि आपका जो केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है, वो जो प्रोसेस है केमिकल चेंज होने की, वो क्या कहलाती है आपकी केमिकल रिएक्शन। मतलब आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिया, इसने क्या बना दिया, H2O यानी वाटर बना दिया, ठीक है। तो ये चेंज किस टाइप का है, केमिकल चेंज है। लेकिन अगर इस प्रोसेस की बात करें, ठीक है, तो ये प्रोसेस कौन सी है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो अगर आप अब केमिकल रिएक्शन की वो डेफिनेशन लिखो तो क्या लिखेंगे, इट इज द प्रोसेस इन विच there is formation of product from reactant। ये मैंने ये लंबी छोटी सी डेफिनेशन लिख दी, ठीक है, एक बार इसको समझ लेते हैं। कह रहे हैं इट इज द प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है इन विच, जिसमें देयर इज फॉर्मेशन, यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन मतलब बनता है, क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट मतलब कोई चीज जो नई बन रही है, ठीक है। फ्रॉम रिएक्टेंट, किस चीज से प्रोडक्ट बनता है, तो किससे बनता है, रिएक्टेंट से बनता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, आपको ये नीचे लिख लेना है,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों से मिलके वाटर बन रहा है, तो आपका ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। ओके, ये आपका वाटर बन गया, व्हाट इज दिस, दिस इज द प्रोडक्ट। ठीक है, तो किसी भी प्रोसेस में जब हमारे रिएक्टेंट से एक चीज नई चीज बन जाए, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, तो वो क्या कहलाती है, आपकी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम रिएक्टेंट। ठीक है, एंड एक और चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि जो प्रोडक्ट होगा और ये जो रिएक्टेंट होगा, इन दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होनी चाहिए, तभी ये केमिकल रिएक्शन है। आइदर इट इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन, इट इज अ फिजिकल रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट बना, रिएक्टेंट से किससे बना है, रिएक्टेंट से। ठीक है, एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज किसकी, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की, द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट आर डिफरेंट, ये डिफरेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो इट इज द प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है जिसमें प्रोडक्ट बनता है, नया प्रोडक्ट बनता है किससे, रिएक्टेंट से बनता है, और ये जो आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, इनकी जो प्रॉपर्टीज है, खूबियां है, वो एक दूसरे से बिल्कुल क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, इतना सबको क्लियर हो गई। तो आपको ये क्या करना है, पहले ये केमिकल रिएक्शन वाले ये टॉपिक लिखना है, उसके बाद ये डेफिनेशन लिखना है, देन ये एग्जांपल के फॉर्म में लिखना है, इसमें ऊपर लिखना है रिएक्टेंट और साइड में क्या लिखना है, प्रोडक्ट। तो आप ये पॉज करके लिख लेना। अब जब भी जैसे कोई केमिकल रिएक्शन हो, ठीक है, अब आपको नहीं पता कि ये भाई केमिकल रिएक्शन है या ये फिजिकल रिएक्शन है, ठीक है, तो क्या क्या बातें होती है, मतलब आपने दो चीज़ें मिला दी, अब आपसे बोला बताओ ये फिजिकल रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन, ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट्स है जिससे हमें पता चल सकता है कि कोई चीज़ फिजिकल रिएक्शन शो कर रही है या फिर केमिकल रिएक्शन शो कर रही है। ठीक है, तो हम कैसे एक केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, दिस इज योर टॉपिक। ठीक है, तो अलग अलग चीजें होती है जिससे हम केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। सपोज करो आपने दो चीजें मिक्स करी, ठीक है, और उसमें से आपकी कोई गैस इवॉल्व हुई, गैस इवॉल्व हुई, मतलब दोनों चीजें मिलाई, उसमें से एक गैस बाहर निकली है। ठीक है, तो ये क्या, अगर गैस बाहर निकले, इट मीन्स वो जो आपकी मिक्सिंग है, उसके बाद जो प्रोसेस होके रिएक्शन हुई है, वो कौन सी रिएक्शन है, आपकी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अगली चीज क्या हो सकती है, वो हीट हो जाए, हीट इवॉल्व हो जाए, यानी उसमें हीट बाहर निकले। ठीक है, यानी किसी रिएक्शन में अगर हीट बाहर निकले, मतलब आपने रिएक्शन करी और आपका जो बर्तन था या फिर आपकी जो भी टेस्ट ट्यूब थी गर्म हो गई, इट मीन्स वो कौन सी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और स्मेल या ओडर चेंज हो जाए, ठीक है, यानी स्मेल, ओडर मतलब भी स्मेल होती है। ठीक है, तो स्मेल या ऑर्डर बदल जाए, यानी पहले कुछ और आ रहा था, बाद में कुछ और आने लग जाए, ठीक है, तो वो भी किसका इंडिकेशन होता है, फिजिकल चेंज का, ठीक है, सॉरी केमिकल चेंज का, सॉरी। उसके बाद होता है कलर चेंज, मतलब अगर किसी रिएक्शन में आपका कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, जैसे सपोज करो आपने क्या करा, कॉपर सल्फेट लिया, एक एग्जांपल यहाँ आपको साइड में बता रही हूँ, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4, 9th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, ये कैसे कलर का होता है, ब्लू कलर का। ठीक है, इसमें आपने आयरन ऐड कर दिया, आयरन ये क्या है, लोहा। ठीक है, आयरन, ठीक है, अब होगा क्या, जैसे आप ये ब्लू कलर का आयरन आपके जो बिल्कुल फ्रेश अगर कील लो लोहे की, तो कैसे कलर की, सिल्वर कलर की। ठीक है, इन दोनों को आपने क्या करा, एक घंटे तक दोनों को मिक्स करके मतलब रखा, यानी आपने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया, उसके अंदर कील ला के रख दी। ठीक है, होगा क्या, ये जो आयरन ही आ जाएगा सल्फेट के पास, और उस कॉपर को ना दूर भगा देगा इससे। ठीक है, तो Fe जुड़ जाएगा सल्फेट के साथ, यानी बना दिया FeSO4, और यहाँ बच के आ गया कॉपर। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ पे ब्लू कलर था पहले, अब यहाँ पे जो कलर बचेगा लिक्विड का, वो कैसा बन जाएगा, फेड ग्रीन, यानी बिल्कुल हल्का हल्का हरा।
ये जो कॉपर है ठीक है, मतलब जो सोल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा फेड ग्रीन, और जो लोहे की कील है आपकी, जो लोहे की कील है वो कैसे कलर की हो जाएगी, ब्राउन कलर की, भूरे रंग की। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जो आपकी लोहे की कील है वो भूरे रंग की जंग की वजह से नहीं हुई, वो जो कील का भूरा रंग है वो किसकी वजह से है, कॉपर, यानी ये क्या है, ब्राउन कलर ऑफ नेल, यानी नेल का जो ब्राउन कलर है वो इस कॉपर की वजह से आया, ना कि जंग लगा उस पर, ठीक है। इतनी यहाँ सबको क्लियर हो गई। तो अगर आपसे कोई पूछे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है बताओ कैसे हो रही है, तो आप क्या क्या बताओगे कि वहाँ पे गैस निकलनी चाहिए, हीट निकलनी चाहिए, कलर या स्मेल चेंज हो जानी चाहिए, और उसका कलर भी बदल जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें हो तो वो केमिकल रिएक्शन, इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि एवरीथिंग शुड बी हैपन हियर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें हो, अगर कुछ में से कुछ भी होगा तो इट मीन्स वी कैन से दैट इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है, इट इज़ नॉट लाइक कि हमेशा ऐसा होता है कि ये ऐसा होगा, ये सारी चीज़ें होंगी तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन ही होगी, ठीक है। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि केमिकल रिएक्शन होगी तो ये चार चीज़ें में से कुछ भी होना पॉसिबल हो सकता है। कि आपको लिख देना पूरा, वीडियो पॉज करके, ओके। अब आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें ना केमिकल रिएक्शन के बारे में तीन एक्टिविटीज़ दी हैं। सबसे पहले हम एक एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 1.1, इसमें क्या बोला है, मैग्नीशियम का रिबन है, ठीक है। एक मतलब पतली सी पतला सा रिबन टाइप का होता है, सिल्वर कलर का, ठीक है, वो मैग्नीशियम का बना होता है, उसको हमें बर्न करना है। अब आपको अच्छी तरीके से पता है कोई चीज़ जलाते हैं तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप जलाना शुरू करते हो तो क्या हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, MgO। अब क्या है यहाँ पे, ये मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में था, ये ऑक्सीजन क्या है, गैस है, ठीक है। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है तो ये बनता है पाउडर की फॉर्म में, पाउडर, और ये पाउडर किस कलर का होता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन जो होती है वो बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये व्हाइट कलर का क्या होता है, एक पाउडर होता है। नेक्स्ट एक शायद 1.2 भी आपकी एक्टिविटी है कोई, ठीक है। उस एक्टिविटी में आपकी जिंक लिया है और जिंक के छोटे छोटे दाने होते हैं, उसको HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर ऐड किया है। अब यहाँ क्या होगा, जो जिंक होगा वो Cl के साथ चला जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, तो ZnCl के साथ गया तो बना दिया ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, गैस, और ये गैस कौन सी है, हाइड्रोजन। यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जो हाइड्रोजन गैस है इसका किसी रिएक्शन में कैसे पता लगाया जाएगा, गैस तो कोई भी निकल सकती है, आप कैसे बताओगे कि ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस की क्या खासियत होती है, इट बर्न विद फॉर सम, मतलब टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, जिंक डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, ठीक है, एक गैस निकली, उसके पास आप मोमबत्ती लेके जाओ, ठीक है। जैसे आप जलती हुई मोमबत्ती लेके आओगे तो आपको पॉप 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 की साउंड भी सुनाई देगा, और वो पॉप साउंड किसका होता है, आपकी हाइड्रोजन गैस का होता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक गैस बताओ जो कि पॉप साउंड से बर्न करती, तो वो गैस कौन सी है, आपकी हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो आपको ये दोनों एग्जाम्पल लिख लेने हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन, रिएक्शन तो आपने लिख ली, नाउ इट इज द टर्न ऑफ केमिकल इक्वेशन, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल इक्वेशन। आपने रिएक्शन पढ़ी, मैंने बोला मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन था, दोनों को मिला दिया, बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब ये तो मैंने सिर्फ बोला है, अब मैं उसको बोर्ड पे कैसे लिखती हूँ, Mg+O2 gives MgO, ठीक है, आई राइट इट लाइक दैट, ओके। तो जब हम किसी भी रिएक्शन को सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, यू नो वेरी वेल अबाउट सिंबल, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, आपने 20 आते हैं ना, हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक, तो केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, जब आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो आपकी क्या बना देती है, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन है क्या, द सिंबॉलिक, द सिंबॉलिक